अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका विजुअल बेसिक का टीचर। तो आज से हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम काम शुरू कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं लोगों के लिए काम किया जाएगा। और इस काम में होगा क्या, इसमें तमाम वीबी से रेलिवेंट जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिनमें आज के लेक्चर में रहते हुए आपको इनके टूल से रेलिवेंट और इसके स्टार्टिंग काम से शुरू करते हैं काम अपना। जैसे ही आप देखिए डेस्कटॉप के ऊपर, मैं इसको एक साथ साथ जूम करता जाऊंगा, ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक, ये इसका नाम है। और वीबी इसका 6.0 वर्जन को हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सारा काम करने वाले हैं। इसको ओपन करने के लिए जस्ट आपने इस पर डबल क्लिक करना है, मैं जूम इन थोड़ा कर रहा हूँ सेट, और ये प्रॉपर लेक्चर सारे HD होंगे। आप प्लीज़ जब इसे डाउनलोड करें या दूसरा काम करें, इसको व्यू करें, तो लाजमी तौर पे इस वीडियो की क्वालिटी HD कर लीजिएगा। ये आपको प्रॉपर लेक्चर HD में रिकॉर्ड हो रहा है, साफ साफ एक एक पॉइंट नज़र आएगा। बाकी इसको मैं जूम भी करूँगा ताकि आपको जूम होगा तो अच्छे से नज़र भी आ जाएगा ये वाला। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से न्यू प्रोग्राम है, एग्जिस्टिंग है जो पहले से बने होते हैं, और रिसेंट जो आप नया जिस पे भी लास्ट आपने काम किया होता है वो सारे प्रोग्राम के यहाँ आपको मिल रहे होते हैं। हम लोग काम करेंगे न्यू में, और न्यू में स्टैंडर्ड एग्जी, क्योंकि हम एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो हमने जितना भी काम करना है अपना सारा स्टैंडर्ड एग्जी पे काम करना है। तो देन इस पर मैं क्लिक करके ओपन पे कर रहा हूँ जी, क्लिक जूम थोड़ा कर लेता हूँ मैं सेट, ताकि फुल व्यू आपको नज़र आ सके। मैंने पहले भी जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा इंट्रो दिया था इसका क्या क्या चीज़ें हैं, आज का डिटेल में इन चीज़ों की बात कर लेते हैं और इसका कुछ टूल को भी अच्छे से समझ जाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें एक्सेल में काम हो गया रहे, इससे हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर का नाम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, व्यू इसका कौन सा है, यह है डिज़ाइन व्यू। ओके, मैं इस पर अगर डबल क्लिक कर देता हूँ तो व्यू कौन सा लिखा आ जाता है, कोड व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब है जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का जो ओरिजिनल लुक है वो नज़र आती है, उसे बोलते हैं डिज़ाइन व्यू। और जब आप इसके बैक एंड की जो प्रोग्रामिंग, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रोग्रामिंग भी साथ साथ सिखाएंगे, प्रोग्रामिंग से सारे काम चल रहे, तो प्रोग्रामिंग जो पीछे बैक एंड की होनी है वो सारी की सारी किस बेस पे होगी, हमारी इस व्यू में। ये कोड व्यू है, ये है डिज़ाइन व्यू। उसके बाद जितने भी आप इसमें फॉर्म बनाएंगे वो सारे आपको यहाँ नज़र आएंगे, और जितने भी इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स का मतलब है कि आप कोई प्रोग्राम लोड करना चाहते हो, आप उस पर क्लिक करना चाहते हो, मतलब ये लोड का मतलब है जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तब क्या फंक्शन काम करें, उसके ऊपर माउस आने से क्या काम हो, तो ये उसके बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। तो जब ये इवेंट्स के हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगी, जैसे कि आपको आसान इवेंट कौन सा है, क्लिक वाला, किस चीज़ पर क्लिक करें तो क्या हो, डबल क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, तो इस तरह के ये सारे इन्हें बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। क्लोज कर देते हैं इसको भी। देन बारी आती है, इस चीज़ का नाम है टाइटल बार। टाइटल बार में बता रही कि इस आपकी फाइल का नाम है प्रोजेक्ट वन, माइक्रोसॉफ्ट इसका नाम है, और डिज़ाइन व्यू में हम लोग काम कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरी बात आती है, इसमें यहाँ लिखा आता है फाइल, एडिट, व्यू, ये जो जितनी चीज़ें लिखी आ रही हैं ये एक्चुअल में इसकी पूरी है मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इस मेन्यू बार के बाद नीचे एक ये छोटी सी बार एक गुजर रही है, इसकी अगर ये दो लाइन आप देख सको, मैं जूम करके आपको दिखा पाऊँ, अगर ये दो लाइंस का मतलब है कि आप इससे पकड़ के इस स्टैंडर्ड टूल बार को दाएं बाएं मूव भी करवा सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल जूम ज़्यादा कर लेता हूँ, अच्छा सा ज़्यादा सा नॉर्मल, और इसको वापस पकड़ के यहाँ सेट किया तो ये अपनी जगह पर वापस एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, दो पॉइंट समझ आ गए हमें, टाइटल बार का पता लगा, मेन्यू बार का पता लग गया, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार का पता लगा, स्टैंडर्ड टूल बार में क्या क्या चीज़ें हैं इनको भी वक्त आने पे साथ साथ डिस्कस हम करते जाएंगे। फिर बारी आती है, इसके नीचे इधर आ जाते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल में टूल बॉक्स। ओके, ये टूल बॉक्स है, जैसे आपको अगर कोई औजार, कोई शख्स काम करने आता है, एक है जी जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसने काम करना, उसने एक टूल बॉक्स रखा होता है, उस टूल बॉक्स में से अपनी मर्जी की जो 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 ज़रूरत पड़ती है उस टूल को निकालता है, फिर उससे अपना काम चलाता है। सेम ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी होता है कि हमने किस चीज़ की मरम्मत करनी है, किस चीज़ पे टारगेट है, क्या काम करना है, तो वो चीज़ का फैसला आप इन टूल्स बॉक्स के थ्रू करोगे। और इसके जितने भी टूल्स हैं इनको मैं एक एक वीडियो में आसानी से आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता जाऊँगा, ताकि आपको ये समझ आती जाए आसानी के साथ। तो ये इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। फिर बारी आती है इस चीज़ की,
यहाँ पे आता है ये आपका प्रोजेक्ट वन, आपका फॉर्म वन, और ये हमारा वो मेन फॉर्म है जिसका मैं रिसाइज करके दिखाने लगा आपको। ये हमारा वो सॉफ्टवेयर की लुक है जो हमने क्लाइंट को दिखाना है कि सॉफ्टवेयर जो हमारा बनेगा उसका साइज कितना होना चाहिए और किस तरह का नजर आए, किस तरह का नजर नहीं आना चाहिए जी। ओके जी, इतना काम करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सारा फॉर्म वाला सेक्शन आ रहा है, आप इसको इसके साइज के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इस राइट साइड की। इस राइट साइड का मतलब है ये है हमारे पास प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वन, क्योंकि जिसमें हम काम कर रहे हैं इसमें भी एक फॉर्म है तो एक फॉर्म ही आपको नजर आ रहा है। जब यहाँ पे एक से ज्यादा फॉर्म्स बनेंगे वो यहाँ लोड होकर नजर आएंगे, या फिर अगर दो या दो से ज्यादा सॉफ्टवेयर के मतलब फॉर्म्स हैं, जैसे ज्यादा फॉर्म से मेरा ये है कि मैं एक स्टूडेंट्स का एडमिशन करने लगा हूँ, एडमिशन करने के बाद मैं कहता हूँ मैं उसके जी मार्क्स भी ऐड करने हैं, एडमिशन हो चुका है तो उसके एक महीने की जनवरी के दिन महीने में उसने जो भी एग्जाम दिए, जो पेपर दिए स्कूल कॉलेजेस के, उसका मैं रिजल्ट मैनेज करना चाहता हूँ। यहाँ मैं जब क्लिक करूँ तो नेक्स्ट जो फॉर्म खुलेगा इससे जितने भी फॉर्म्स इस्तेमाल होंगे वो सारे आपको यहाँ पूरी तरतीब में नजर आते जाएंगे। बातों में जितना समझा सकता हूँ इतना ही समझा पाऊंगा, बाकी प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल वाइज लेक्चर हो जाए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ का जो हम सीखने शुरू किया आज से अपनी ये इस सीरीज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला एरिया, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ इस एरिया की जिसमें ये काम है, नाम है इसका प्रॉपर्टीज़। किस चीज़ की प्रॉपर्टीज आ रही है? इस फॉर्म की। इस फॉर्म पर कोई चीज़ बनेगी, चीज़ें मतलब ये वाली चीज़ें, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहीं नज़र आएगी। ओके, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन हर प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। जैसे जैसे आपको समझ आएगा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस कोर्स में कि वाकई कुछ इंटरेस्टेड चीज़ हमने सीखी जा रही है, और एक आप कम अज़ कम कोई सॉफ्टवेयर इस लेवल का बना के किसी अपने साथ वाले को दिखा पाओगे, हाँ यार मैंने देखो ये वाला काम कर दिया, और देखने वाला ये नहीं कि यार ये तुमने क्या सीखा, या जो तुमने फीस पे करके कोर्स परचेज किया इसका तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांटेज हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बात क्या आती है इसमें, ये मैंने जूम करके आई थिंक सो आपको मैंने दिखा दूँ ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो जब वक्त आएगा फिर एक एक प्रॉपर्टी को ऐसे मैं जूम करके किसका क्या फंक्शनैलिटी है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता जाऊंगा। अभी सिर्फ आज का ओवरव्यू है और एक टूल पहला हम चला उसको देख लेते हैं। और रही बात इसके आखिरी हिस्से की, आखिरी हिस्से में लिखा था फॉर्म का लेआउट। फॉर्म लेआउट का मतलब, ये मेरे सामने मेरी एलसीडी नज़र आ रही है और यहाँ भी एक मॉनिटर है, मतलब ये कि जब मैं सॉफ्टवेयर रन करूँगा तो जो मेरी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन है वो क्या करेगी, वो एक साइड पर लग जाएगी जाकर, मैं चाहता हूँ कि सेंटर में। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इस स्टैंडर्ड टूल बार से जाके ये प्ले का बटन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या हुआ, सॉफ्टवेयर प्ले हुआ, रनिंग पोजीशन में गया, लेकिन इस एक साइड पे मैं इसे इस बार यहाँ रख के क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से प्ले करता हूँ तो सॉफ्टवेयर फिर से जब रन हुआ तो इसी जगह पे नज़र आ रहा है, ना कि नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहते हो कि ये स्क्रीन के सेंटर में आए, आप इसको यहाँ से पिक करके जिस हिस्से पे सेट कर दोगे, जब भी इसे आप इसे रन करोगे तो आपको ये इस एरिया पे नज़र आएगा, ना कि दाएं बाएं आपको नज़र आने वाला है। और इसकी शॉर्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं, F5, अगर आप कीबोर्ड से F5 का बटन दबाएंगे तो आप इस सॉफ्टवेयर के रनिंग व्यू में, ये ऊपर लिखे आ गया ना व्यू, उस पर लिखा हुआ है यह रन व्यू इसका, जहाँ पे सॉफ्टवेयर रनिंग होके चेक हो रहा है। अब साथ ही लिखा गया डिज़ाइन, लेक्चर मैंने पहले बोला HD है, इसे अच्छा करके देखिएगा आपको क्लियर नज़र आएगा, अब ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब मैं क्लिक करके F5 करता हूँ, अब यहाँ आप लोग देखो लिखा आ रहा है रन, तो ये हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में आपको इसके जितने भी ओवरव्यू में चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी समझ आ चुकी होंगी, मैं इस उम्मीद से इस फर्स्ट वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ, तो आके आप लोगों का ये काम क्लियर हो जाए इस वीडियो को, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के पास होना है। लाइक शेयर आप लोग करें आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको लेक्चर अच्छा तो लाइक कर लीजिएगा, अदरवाइज ये जस्ट आप जो पेड मेरे यूजर्स हैं, पेड स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए लेक्चर कोड किया जा रहा है, बाकियों के लिए जो बाकी इतने भी कोर्सेज हैं इंशाल्लाह मेहनत करके उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कोर्स खास आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स आपके सिर्फ मेरे तक आएंगे किसी और तक नहीं जाएंगे।
थैंक यू सो मच, मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में इन टूल्स के साथ जी, बाय बाय।